बढ़ते पेट्रोल की कीमत और महंगाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हाल में हुए उपचुनाव में हुई हार के कारण मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करनी पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ ही महीनों के बाद उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई तो पेट्रोल डीजल की कीमत यूपीए सरकार के समय जितनी हो जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी जयपुर में इंदिरा गांधी की जयंती पर आयोजित पंचायती राज सम्मेलन में यह बातें कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इंदिरा गांधी के प्रयासों का ही नतीजा है कि अनाज के मामले में देश आत्मनिर्भर है। आम जनता के लिए बैंक सिर्फ इंदिरा गांधी के कारण खुले हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उनकी हर योजना में छत्तीसगढ़ के हर विभाग अपना नाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत विभाग को 12 पुरस्कार, वन विभाग को 11 श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। वहीं नगरीय प्रशासन विभाग को स्वच्छता के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भी पुरस्कार मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। किसानों से हम 2500 में धान खरीद रहे हैं, वहीं 9000 आने वाले सालों में भी देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय हम 2540 रुपए देंगे। यदि केंद्र सरकार 100 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ा देता है तो अगले साल 2640, चुनाव के समय यदि केंद्र 200 रुपए बढ़ाता है तो फिर हम धान का 2800 रुपए देंगे। इस सम्मेलन में चंदन यादव, सप्तगिरी उल्का, रविंद्र चौबे, ताम ध्वज साहू, प्रेम साय सिंह टेकाम, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, शिव डहरिया, जय सिंह अग्रवाल, अनिला भेड़िया, ज्योत्सना महंत समेत अनेक नेता मौजूद रहे। मोहन मरकाम ने कहा कि भूपेश सरकार ने बेहतर कार्ययोजना के दम पर हम लगातार नगरीय निकाय के साथ ही हमने जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों में बेहतर प्रदर्शन किया। 27 में 20 जिला पंचायत, 146 जनपद में 11 और 80% पंचायतों में कांग्रेस का कब्जा है। इसके साथ ही हमने तीनों उपचुनाव भी जीते हैं। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने भाषण के दौरान कई मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव आते समय राज्य सरकार 2800 रुपए में धान खरीदेगी और चुनाव से पहले यदि सरकार 3000 रुपए में धान खरीदे तो ताज्जुब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय पंचायतों ने जितनी राशि का उपयोग किया उसे पंचायतों को वापस किया जाए। वहीं पंचायतों के प्रतिनिधियों का प्रशासनिक के साथ वित्तीय अधिकार भी बढ़ाया जाए। जिला और जनपद पंचायतों के अध्यक्षों को चेक में साइन करने का पावर दिया जाए। अफसरों के CR लिखने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि इसके बिना अधिकारी जन प्रतिनिधियों को तवज्जो नहीं देंगे। पंचों को प्रति बैठक 200 रुपए मिलता है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। वहीं उन्होंने पैसा कानून को बजट सत्र के पहले लागू करने का आग्रह भी मुख्यमंत्री से किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।